रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला अब इस दुनिया में नहीं रहे। सिद्धार्थ के अचानक हुए निधन से बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। कई टेलीविजन शोज और फिल्म हम्टी शर्मा के दुल्हनिया में नजर आने वाले अभिनेता सिद्धार्थ अपने करियर के चरम पर थे। कहा जाता है दिल का दौरा पड़ा और अपने घर पर ही उन्होंने अंतिम सांस ली। जब उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया गया, उससे पहले ही सिद्धार्थ दम तोड़ चुके थे। सिद्धार्थ के निधन से इंडस्ट्री सन्न है, चारों तरफ मातम छाया है और इस मातम के चलते जो बॉलीवुड सितारे हैं वो भी सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर अपनी ओर से अंतिम विदाई दे रहे हैं। आपको बताएंगे बॉलीवुड की धकधक गर्ल माधुरी दीक्षित के बारे में। कुछ ही दिन पहले माधुरी दीक्षित और सिद्धार्थ शुक्ला शहनाज गिल रियलिटी मंच पर ये सब नजर आए थे। माधुरी दीक्षित ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो आखिरी बार है जब वो सिद्धार्थ शुक्ला को देख रही हैं। माधुरी दीक्षित का एक ट्वीट आप इस वक्त हमारी रिपोर्ट में देख रहे हैं, जिसमें वो लिखती हैं, इट्स जस्ट अनबिलीवेबल एंड शॉकिंग। You will always be remembered, Siddharth Shukla. May your soul rest in peace. My heartfelt condolences to the family. आपको बता दें कि मिखा सिंह से लेकर राजकुमार राव, मनोज बाजपेयी, नेहा कक्कर, अक्षय कुमार, सोनू सूद, ये तमाम बॉलीवुड के सितारे हैं जिन्होंने सोशल मीडिया के जरिए सिद्धार्थ शुक्ला के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कि ट्वीट्स आप इस वक्त हमारी रिपोर्ट में देख रहे हैं और इन्हें देखकर मालूम पड़ता है कि सिद्धार्थ ने 40 साल की उम्र में ही सही, लेकिन नाम और प्यार, इज्जत, ये सब बखूबी कमाई। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।